नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी एक बार फिर आज आपके बीच में एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में एक और होल्ड हैंड एनालिसिस करने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं इनके बारे में। ये जो मैं हैंड एनालिसिस करूंगा, ये एक एक्टर हैं, नाम है सौरभ, और अभी टीवी सीरियल में इन्हें बहुत काम भी किया है। ये जानना चाहते हैं कि आगे की लाइफ में प्रोग्रेस कैसी रहेगी, सक्सेस कैसी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा इनके हाथ का विश्लेषण करते हुए। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, हाथ का विश्लेषण वहीं से करना चाहूँगा। हथेली देखी जाए तो एक अच्छी शेप लिए हुआ है, थोड़ा चौड़ी भी है, जिससे थोड़ा बोलकर कार्य करने वाले भी होंगे, बट प्लस मेहनती भी होंगे। मेहनती स्वभाव इनका रहने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले इनका एक और चीज़ देखी जाए कि पर्वतों पर मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर शुक्र की जो पोजिशन इनके हाथ में दिख रही है, बहुत बल दिख रहा है इनके शुक्र में, मतलब उठा हुआ है शुक्र और अच्छी पोजिशन में है। ये आड़ी रेखा है, कई बार अड़चने पैदा करेंगी, बट यही शुक्र इनको यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में लेके आया है। उसका भी यहाँ पर मैं अभी आऊँगा जब इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले फिंगर्स पे आ जाऊँ। इनके हाथ में एक आप देख पाएंगे कि ये सारी जो उंगलियों में ये जो चीज़ें होती हैं, दो दो लाइन, ये किस हर उसके हाथ में नहीं होती, हर लोगों के हाथों में, बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती हैं चीज़। सशक्त योग कहते हैं, ये योग व्यक्ति को जीवन में प्रोग्रेस तो कराता ही है, मतलब छोटी मोटी प्रोग्रेस नहीं, ऊंची पोजीशन पे ले जाता है। मतलब जे आज जिस सीरियल में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले 4-5 साल बाद ये आपको, जहाँ पर आपने इन लोगों से उम्मीद नहीं लगाई होगी, वहाँ पर हों। ये बहुत अच्छा होता है। एक सशक्त योग हाथ में अलग अलग प्रकार से बनता है, बट इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से है, बट कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो फिंगर्स पर इनके आप देख पाएंगे दोस्तों कि कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार नेचर, लोगों के साथ हाल घुल मिल जाना, फ्रेंडली हो जाना, उनको शो करता है। बट ये आड़ी रेखा शत्रुता, शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं कोई बुरा चाहने वाला इनका हो या जलने वाले लोग हों, इनको भी यहाँ पर ये आड़ी रेखाएँ रिप्रेजेंट करती है। अब आता हूँ मैं इनके गुरु पर्वत से ही चालू करूँगा। तो गुरु पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ है, महत्वाकांक्षा इच्छाएँ इनकी रहेंगी जीवन में। और आप देख पाएंगे कि गुरु की जो फिंगर है, अपोलो थोड़ी लॉन्ग दिख रही है इनकी, मैंने देख दूसरे हाथ में देखा था, वहाँ पर मेरे को लॉन्ग दिख रही थी, जिससे इनको फेम भी, यश कीर्ति यहाँ पर मिली। और देख पाएंगे, मैंने आपसे कई बार कहा है दोस्तों कि सूर्य पर अगर फिश बने तो व्यक्ति को ह्यूज लेवल की सक्सेस दिलाता है, छोटी मोटी नहीं। आज ये जिस पोजिशन पर, मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर ये मेहनती रहे तो आगे जाके ये छोटे मोटे सीरियल में काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ी पोजिशन पर होंगे। और ये फिश का जो चिन्ह है, व्यक्ति को सक्सेस, कीर्ति, सम्मान, प्लस मीडिया की फील्ड से आपको लाभ भी मिलेगा बहुत, और धन की आप पे कहीं से कमी ये देगा नहीं। और यहाँ पर देख पाएंगे कि गुरु पर कुछ रिंग जैसी आकृति भी बननी है, जो धार्मिकता को शो करती है, धार्मिक प्रवृत्ति के तो ये रहेंगे। और गुरु जहाँ पर उठाए, जो इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा इच्छाएँ पैदा करेगा, इच्छाएँ इनकी महत्वाकांक्षा रहेंगी जीवन में, अलग अलग, पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो नहीं पाएगा, मतलब ये भी चाहिए फिर वो भी चाहिए, सारी चीज़ें इनको जीवन में चाहिए रहेंगी, मिल भी जाएंगी उसके बाद भी चाहिए रहेंगी, ऐसे ये स्वभाव के इनके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देख पाऊँ तो शनि की पोजीशन थोड़ी वीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि थोड़ा दबा हुआ है, जिससे थोड़े बनते बनते काम रुक जाएंगे, कई बार प्रॉपर काम नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो बनते बनते काम रुक जाना, ये शनि का काम है, इसकी मैं रेमेडीज आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और अब आऊँ मैं इनके सूर्य पर आया, तो सूर्य तो इनका बहुत अच्छा ही है, सूर्य की उंगली भी यहाँ पर लंबी है, बट यहाँ पर सूर्य पर जो फिश बन रही है, बट अगर यहाँ पर मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा, बट अगर यहाँ पर कुछ क्रॉस वगैरह अगर बन रहा है तो एक नेगेटिव चिन्ह है ये, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी के द्वारा अपमान झेलना पड़े। यहाँ पर क्रॉस मेरे को दिख नहीं रहा, बट अगर है छोटा सा भी तो हो सकता है, बट ये फिश का चिन्ह आपके लिए बहुत सुखकारी, सुफलदायक रहेगा। अब आते हैं इनकी विवाह रेखा के बारे में, भी मैं प्रारंभ करूँगा। तो विवाह रेखा, विवाह अच्छा होगा, बट एक से ज़्यादा विवाह रेखा कहीं ना कहीं अफेयर, गहरा अटैचमेंट किसी से रिप्रेजेंट करती है। हेल्थ का थोड़ा विशेष ख्याल रखना आगे जाके, अभी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। प्लस आप देख पाएंगे कि जो इनकी हृदय रेखा है वो बिल्कुल गुरु तक गई है, जो इनको महत्वाकांक्षा, इच्छाएँ, दयालु, भावुकता वाला स्वभाव दिखाएगी, बट कोई एक रेखा सीधी भी चलेगी जो प्रैक्टिकल माइंडेड को शो करती है, इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकली हो जाता है चीज़ों को लेके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
हाथ में बहुत अच्छा हाथ है, बट यहाँ पर मैं अभी लाइफ लाइन पर जब आऊँगा वहाँ स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा बहुत कष्ट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब दीप जैसी आकृति बनती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड इंसान को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। लाइफ लाइन देखें तो प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, बहुत अच्छी है, लाइफ में प्रोग्रेस आप करेंगे। ये जो एज थी ये अप्रॉक्सीमेटली 23+27 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर निकली है, इसके बीच में एक अलग ही प्रोग्रेस आपको मिला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि 23-27 के बाद 20 इनने मेरे को बताया कि अभी जो इस स्थिति है वो अच्छी नहीं है, मतलब 23 से लेकर 27 तक तो ठीक ठाक इनकी पोजीशन रही, उसके बाद से जो देख पाएंगे कि 2 साल बाद ये एक राहु रेखा आई है जो इनके माइंड तक कष्ट पहुँचा, ठीक है। जो अभी एक पोजीशन आपके साथ ऐसी जो अभी अच्छी नहीं है इनकी एक पोजीशन, पर ये राहु रेखा करके चले गई अपना काम, तो यहाँ पर पूरा दिख गया 29 के अप्रॉक्सीमेटली निकली है, 28 से ही स्टार्ट हो गई थी, 28+ से 20 अभी ये जो इसका प्रभाव रहेगा 30+31 के अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, मैं आपको बता दूं। बट लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, बट एक जो आपकी लाइफ में स्टेज एक ऐसा आएगा वो थोड़ा लेट है, बट 65+69 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, हो सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, एज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं कि हो सकता है कि जो आज आप जिस पोजीशन पे उससे लाख गुना अच्छी पोजीशन पे हो जाएं। शुक्र पे आप देख पाएंगे दोस्तों ये खड़ी रेखाएं जिनको सम्मान पैसा धन दौलत लग्जरियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, प्लस यहाँ शुक्र से भी एक रेखा जा रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का शुक्र का इनका बहुत बड़ा इनके हाथ में रोल था, वो इनके हाथ में इनकी पोजीशन मैंने बता भी दी, और थोड़ी लाली मली वो भी शुक्र है, एक बहुत अच्छा इनका वीनियस है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाएंगे भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा भी गई है बिल्कुल शनि तक, भाग्य आप बहुत भाग्यशाली हैं, सबसे पहले बता दूं कि एक चंद्रमा से भी निकल के गई है, ये विदेश यात्रा रहेंगी, बट पानी से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस जैसी आकृति मेरे को हल्की सी दिख रही है, अगर एक क्रॉस प्रॉपर बनना है तो आपको पानी से सावधान रहना चाहिए, कई बार डिप्रेशन कई बार मानसिक अशांति पैदा होगी काम को लेके। यहाँ पर भी भाग्य रेखा पे भी आप देख पाएंगे शायद ये फिश है, क्लियरली नहीं बनना पर प्रॉपर नहीं बनना, बट अगर ये फिश है तो आप बहुत भाग्यशाली हो गए, क्योंकि फिश का साइन भाग्य रेखा पे इंसान को भाग्य को और बढ़ा देता है लाख गुना, प्लस बनते बनते काम कई बार बिगड़ेंगे उनसे भी आप बच जाएंगे, और कई बार जो भाग्य में रुकावट आएंगी फिश के साइन से वो चीज़ नहीं होगी। और बाकी दोस्तों देखा जाए, मैं अपनी तरफ से मंगल की भी बात कर लेता हूँ, मैंने सारे पर्वतों की बात कर ली, मंगल भी उभरा हुआ जिससे इनके अंदर अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा, निडरता रहेगी, डरेंगे नहीं किसी से। पर यहाँ पर राहु रेखा ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, उसके बाद भी एक राहु रेखा है पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगी, बट आई है जो वो आई है वो 33+35 के अप्रॉक्सीमेटली है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो पूरा हाथ इनका अच्छा है, लव मैरिज के योग भी इनके बनेंगे, क्योंकि कई बार ये चंद्रमा से जो भाग्य रेखा जुड़ती है, और अगर आपके हाथ में कुछ ऐसे प्रकार से भाग तो इंसान के लव मैरिज के अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज प्रिफर करते हैं ऐसे लोग, और हो सकता है कि ऐसे लोगों के लव मैरिज हो भी नहीं तो अफेयर्स या अटैचमेंट तो रहता है, वो तो यहाँ पर भी दिख गया विवाह रेखा पर और यहाँ पर भी दिख जाएगा, तो हो सकता है लव मैरिज के चांसेस इनके बने। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनके हाथ का विश्लेषण करूं, अपनी 100% देने की कोशिश करी, अगर तब भी कुछ छूटा हो तो WhatsApp पे मैं आपको बता दूंगा, जब तक के लिए।